तो डीपी देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 10 रुपए में ट्यूब मिलती है। तो आज मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूँ कि क्या 10 रुपए में ट्यूब मिल सकती है या नहीं मिलती है, कितनी मतलब 10 से 15 रुपए। कितने लोग हमारे शॉप पे आते हैं तो बोलते हैं कि भाई 10 से 15 रुपए तो ट्यूब की दामें हैं, मतलब है इसकी एक्चुअल प्राइस। जैसे आप लोगों को ये ट्यूब मैं दिखा दूं, इस ट्यूब हीटर जो ट्यूब होती है इसकी एक्चुअल प्राइस वो लोग बोलते हैं कि 10 से 15 रुपए है, क्योंकि मैंने भी डीपी पे एमए लिखा है कि 10 से 15 रुपए में मिलती है मतलब हाइलोजन की ट्यूब। लेकिन आज मैं विशेष रूप से बताने वाला हूँ कि आखिरकार 10 से 15 रुपए में क्या हाइलोजन की ट्यूब मिलती है या नहीं मिलती है। तो फाइनल रूप से हम आज इसी पे बात करने वाला हूँ। स्वागत है, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सुमिर भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। आमिर भाई, आप लोग मतलब कमी कर रहे हैं शायद, हमको ये लग रहा है कि शायद आप लोग कमी कर रहे हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है। प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें और ज्यादा हो सके तो पूरा बात जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार 15 रुपए में आप 10 रुपए में जो बोलते हैं वो बात सही है या गलत है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुमिर भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या लोग जो बोलते हैं कस्टमर कि 15 रुपए या 10 रुपए में ट्यूब मिलती है हीटर की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाली रड जो भी आपको दिख रही है, जिसको ये मेटल रड बोलते हैं, जो ये वाली भी रड आपको 10 से 15 रुपए में नहीं मिलती है। तो ये हाइलोजन ट्यूब आपको कहां से मिलेगी? लेकिन वो लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। मानता हूं कि हम लोग होलसेलर हैं तो हम लोगों को मतलब है थोड़ी सी रिलीज मिलती है, क्योंकि जो आप एक पीस खरीदने जाएंगे और हम लोग 10 पीस खरीदने जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ी सी रिलीज मिलती है। लेकिन आप लोगों के कंपेयर में हम लोगों को इतना भी रिलीज नहीं मिलता है जिससे कि आपको मतलब डेढ़ा और दोबरी का अंतर हो जाए, यानी कि आपको मतलब दुगुने रेट आपकी ज्यादा हो जाए और दुगुने रेट हमारी कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है डिफरेंस, 5 से 7 रुपए का डिफरेंस पड़ती है। जैसे आप लोग एक पीस खरीदते हैं तो कोई भी आपको मतलब थोक विक्रेता 5 से 7 रुपए ज्यादा रख के देगा और हम लोगों को 5 से 7 रुपए कम देगा। अब फाइनल बात करते हैं कि आखिरकार ट्यूब की एक्चुअल प्राइस क्या होती है। जैसे आप लोगों को ये ट्यूब्स होती है, इस ट्यूब में अलग अलग वैरायटीज आते हैं, जो कि ये हैलोजन ट्यूब होती है, उसके बाद में ये मेटल ट्यूब होती है, उसके बाद में इस तरह की एक और ट्यूब आती है जो कि इस तरह की ट्यूब होती है, इस तरह की भी ट्यूब होती है। आखिरकार इस ट्यूब्स की प्राइस क्या होती है? तो जैसे सबसे पहले मैं, ये कॉमन ट्यूब है, जैसे आपको दिखेगी तो हर एक ट्यूब में लगी रहती है, हर एक हीटर में, ज्यादातर हीटर में यही ट्यूब लगी रहती है। इसकी साइज की मैं बात करूं तो साइज आपको यहाँ पे बॉक्स पे देखेंगे तो बॉक्स पे लिखी है आपको 26 है, मतलब 27 नंबर 27 की भी ट्यूब आती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा 26, 24, 22, 20, 18, 16, तो आपको जनरली इसमें ज्यादा ट्यूब होने वाली जो होती है वो आपको 22 से 26 तक होती है। इसमें इस ट्यूब में 22 से 26 तक ज्यादा जनरली यूज होती है। जैसे ये 24 की वेच का है तो 24 की वेच जनरल आपकी हर एक हीटर में लगी रहती है, जो कि आपका 22 होता है छोटा होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको 22 से मतलब 26 से नीचे आएंगे तो छोटा होता जाएगा साइज और 26 तक सबसे लास्ट और सबसे बड़ी होती है। तो अब बात करते हैं आखिरकार 24 रुपए में क्या 15 रुपए में ट्यूब की लाइट मिलती है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, एक गलत बात है। एक्चुअल प्राइस, इस ट्यूब का एक्चुअल प्राइस आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले समथिंग ये चीज समझ लीजिए कि आपको ट्यूब का प्राइस 30 रुपीज से लेकर के मिनिमम 30 रुपीज, यानी कि इस तरह की ट्यूब मिनिमम 30 रुपीज से लेकर के मैक्सिमम 45 रुपीज तक मिल जाती है। ट्यूब की एक्चुअल प्राइस आपको 30 रुपीज यानी कि 30 रुपए से लेकर के 45 यानी कि 45 रुपए के बीच में आती है। वो आपको हाइलोजन ट्यूब हो, जैसे ये हाइलोजन ट्यूब हो या मेटल ट्यूब हो या हैलोजन ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब हो, सॉरी मेटल ट्यूब तो नहीं आती है, ये मिट्टी वाली ट्यूब हो या हैलोजन ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब हो, उसकी एक्चुअल प्राइस आपको 30 रुपए से लेके 45 रुपए के बीच में आती है। तू या होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपको रिटेलर यानी कि जो खुदरा विक्रेता होंगे उनको 50 रुपए पड़ सकती है, 45 रुपए पड़ सकती है, लेकिन हम लोगों की जिस कैटेगरी की ट्यूब होती है उस कैटेगरी की प्राइस लगती है। अब जनरली इस ट्यूब की मैं बात कर लूं तो इस ट्यूब आपको 45 रुपीज की आती है, मतलब ये 42 रुपीज की ये ट्यूब आती है, जैसे मतलब 42 रुपए की इस ट्यूब आती है। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस ये होता है कि आप ये कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप वाला इसको 100 रुपए से कम में नहीं डालेगा। डिफरेंस क्या होता है वो समझिए, आप लॉजिक क्या होता है वो समझिए कि ये इतनी महंगी ट्यूब क्यों पड़ जाती है। क्योंकि हम लोग होते हैं थोक विक्रेता, मतलब हम लोग थोक खरीदते हैं, यानी कि कम से कम हम लोगों की क्वांटिटी 10 पीस होती है लेने की, यानी कि हमको एक बॉक्स लेना होगा कम से कम, हम लोगों को एक पीस नहीं मिलेगा, हम लोगों को एक बॉक्स लेना पड़ेगा। तो एक बॉक्स में कोई भी दुकानदार आपको चेक करके नहीं देता है, आपको उसमें यहां तक नहीं रहती है कि इसको बॉक्स से, जैसे ये ट्यूब आपकी बॉक्स में जो होती है इस तरह की बॉक्स में, इस बॉक्स से भी आप इसको निकाल के नहीं देख सकते उसके दुकान पे, क्योंकि हम लोगों की वैसे रूल नहीं है, ये बॉक्स में आप लेकर के जाइए अपने शॉप पे देखिएगा। तो इसमें क्या होती है कि इसमें ये जब हम लेकर के आते हैं इसको हम लोगों के दुकान पे, तो इसमें बहुत ज्यादा डैमेज निकलती है। जैसे मैं आपको डैमेज की एक नमूना दिखा दूं, तो अब मैं मतलब हम लोग तो बहुत सारी ट्यूब लाए हैं, तो उसमें से आपको 2-3 ट्यूब, जैसे ये मैं देख लूं तो ये ट्यूब आप देखेंगे तो ये डैमेज हो चुकी है,
जैसे ये ट्यूब हाइलोजन ट्यूब है लेकिन ये डैमेज हो चुकी है तो ये हमारी गई, ये दुकानदार की नहीं गई, ये हमारी गई। तो इस तरह से हर एक डिब्बे में एक से दो निकल ही जाती है, तो भाई दुकानदार कहां से मैनेज करेगा, इसलिए ना इसकी प्राइस बढ़ा के देता है। तो अब बात करते हैं आखिरकार प्राइस। तो अगर हाइलोजन ट्यूब, जैसे ये ट्यूब है, उसके बाद में आपको ये भी हाइलोजन ट्यूब है, तो ये भी हाइलोजन ट्यूब है, इसमें एक रबड़ के साथ मतलब इसमें क्लिप है और इसमें एक नोजल मतलब एक क्लिप, इसमें इसको भी क्लिप ही बोल सकते हैं। बट इसकी प्राइस और इसकी प्राइस के डिफरेंस में बात करूं तो इसमें 6 रुपए के डिफरेंस है, बस इस 6 रुपए महंगे मिलती है और 6 रुपए सस्ते मिलती है। तो अब इसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस इसकी आपको 42 रुपीज है, सेम प्राइस इसकी इतना ही है इसका भी। आपकी साइज अगर बढ़ेगी तो 1 से 2 रुपए बढ़ सकते हैं ये मैं मान सकता हूं, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस 42 रुपीज है, इसकी भी एक्चुअल प्राइस 42 रुपीज है। अब इसकी मैं बात करूं तो इसकी 46 रुपीज प्राइस है, जो कि ये बड़ी है, 26 की है, जैसे इस साइज की आपकी ट्यूब मिलती है तो इसकी 62 रुपीज है। इसी ट्यूब में एक और आता है वायर वाला, इसमें वायर वाला एक और ट्यूब आता है जो साइड में लगी रहती है, उसकी प्राइस आपको 42 रुपीज सेम है। इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस आपको 32 रुपीज आती है, 30 रुपए में मिल सकती है, यानी कि 30 रुपए में मिल जाती है आपकी, मतलब 45 रुपए, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है क्योंकि मेटल मतलब ये कांच के भी नहीं, मिट्टी के बने रहते हैं तो मिट्टी के टूट जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए भी कोई भी शॉप वाला आपका ज्यादा पैसा। अब बात करते हैं इसमें भी, तो इसमें भी एक ट्यूब आती है आपको 35 रुपीज के आसपास, जो कि छोटा हो जाएगी, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आपको 45 रुपीज की पड़ेगी। तो समथिंग में बात करूं तो 30 रुपीज से लेकर के 45 रुपीज के बीच में आपको सारी की सारी ट्यूब आ जाती है। अगर आप एक पीस खरीदने जाते हैं तो आपको 50 रुपीज से लेकर के, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव होगा तो आपको 45 में दे देगा, लेकिन आपको अगर 45 से लेकर के 50 रुपीज के बीच में मिल जाती है एक ट्यूब खरीदने जाते हैं तो, क्योंकि आपको आजादी होती है खोल के चेक कर सकते हैं, हम लोग नहीं खोल के चेक करते हैं, हम लोगों की इस तरह की बॉक्स में आती है पूरी की पूरी ट्यूब, एक ट्यूब लेना होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है कि आपको ये ट्यूब 15 से 20 रुपए में मिल जाती है, बिल्कुल गलत है। तो फाइनल आपको मैं आशा करता हूँ कि सारी की सारी ट्यूब की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। कोई भी ट्यूब हो आपको उसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस 30 रुपीज से लेकर के 45 रुपीज मैक्सिमम 50 रुपीज तक आ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हमको दीजिए इजाजत, आपका भाई प्रिंस, बाय बाय।